आज का रेसिपी है स्वीट कॉर्न राइस। हमारे नए चैनल रंजन्स किचन में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्वीट कॉर्न राइस बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जिंजर और गार्लिक पेस्ट, दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता, चक्रा फूल, नमक, कुकिंग ऑयल, पनीर और स्वीट कॉर्न। पहले एक कुकर लेके उसमें 125 ml का कुकिंग ऑयल डाल के गरम करना है। गरम होने के बाद 3 से 4 तेज पत्ता, 4 इंच का दालचीनी, 2 चक्रा फूल, 4 लौंग ये सब डाल के हल्के से फ्राई करना है। अब एक बड़ा कटोरी में स्वीट कॉर्न डाल के हल्का सा फ्राई करना है। अब 100 ग्राम कटा हुआ पनीर डाल के हल्के से फिर से फ्राई करना है। अब 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, जिंजर और गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ये सब कुछ डाल के हल्का सा मिक्स करना है। हम अभी 1/2 किलो राइस डालने वाले हैं, उसके हिसाब से उबला हुआ पानी डाल के स्वाद अनुसार नमक डालना है। अब 1/2 किलो धुला हुआ चावल डाल के ढक के 5 मिनट पकाना है। अब 1/2 पानी कम होने के बाद थोड़ा मिक्स करके कुकर ढक के 1 सीटी देना है। बाद में ढक्कन खोल के मिक्स करें। अब स्वीट कॉर्न राइस टेस्ट करने के लिए तैयार है। ये रेसिपी अपने घर में जरूर ट्राई करें और आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।